बुरी बला है कथा सुनाते, सुनाता की कथा, यस लालचनी लालचनी आसे होदिला नम आसे इंदा ऐन आगुत्ते आसे इद्दष्टने काल चाचबेका आसे इंदा नम व्यक्तित्व हाळागबहुदु जीवनानु हाळागबहुदु हागे नावु एनु माडबेकीग आसे ना आदष्ट नावु कंट्रोल माड्कोबेकु हौदल्ल यस लालच बुरी बला है कथा हमने सुनी थी केड़ी बला नाम कहते हैं ना यस अभी हम क्या करेंगे आगे कठिन शब्द पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कठिन शब्द सो पहला लालच लालच पुराने जो मैं लिखी जा रही हूं आप अपनी फेसबुक लेकर फेसबुक में लिखना प्रारंभ करो अच्छा बच्चों पुराने थर्ड वन रंगप्पा फोर्थ वन जंगल फिफ्थ वन बंडीपुर कौन सा बंडीपुर नेक्स्ट सिक्स्थ वन अचानक सिक्स्थ वन अचानक सेवेंथ वन भटक भटकना यानी आगे का रास्ता भूल जाना दारी तप्पू तो कहते नो भटकना अंधते नेक्स्ट वन शहर नेक्स्ट शहर कलांजलि नेक्स्ट वन कलांजलि ये कौन सा है आपको मालूम है कलांजलि एक स्टोर का नाम है दुकान का नाम हौदलो वंदर स्टोर किड्स स्टोर इन द हेसर कलांजलि नेक्स्ट सॉरी यहाँ पर आता है हम का अर्थ नेक्स्ट खिलौने नेक्स्ट क्या है खिलौने नेक्स्ट कलात्मक कलात्मक ट्वेल्थ वन दांत दांत यानी टीथ नेक्स्ट वन थर्टीन रकम रकम यानी पैसा है कि नहीं यस पैसा नेक्स्ट प्रार्थना फिफ्टींथ वन दयालु दयालु नेक्स्ट भाग भाग जाना भाग भाग खड़ा होना नेक्स्ट दयालु हुआ है अनुमति नेक्स्ट अनुमति परमिशन यस अनुमति यानी परमिशन नेक्स्ट वन धन्यवाद धन्यवाद नेक्स्ट वन हथेली हथेली लास्ट वन खुश हैप्पी बी हैप्पी यस और ना यस अभी कठिन शब्द मैं आपको लिखा चुकी हूं अभी आप क्या करना है इन कठिन शब्द को आप घर में डेली रोज पढ़ना है रोज पढ़ पढ़कर अपना ध्यान रखना चाहिए यस यस अभी हम आगे शब्दार्थ पढ़ेंगे शब्दार्थ मैं बोलती जाती हूँ अपनी टेक्स्ट बुक में है शब्दार्थ
मैं बोलती जाती हूँ, आपको क्या करना है, इसको फॉलो अप करना है। नेक्स्ट अपनी फेसबुक में शब्द के बाद जो नीचे ही आपको क्या करना है, नीचे या नेक्स्ट पेज में शब्द लिखना है। अच्छा बच्चों, रकम यानी रुपया पैसा, रकम यानी रुपया और पैसा, हम क्या लिख रहे हैं, अब शब्दार्थ लिख रहे हैं, है कि नहीं? यस। रकम यानी रुपया और पैसा। लालच यानी लोभ, लालच यानी लोभ, लालच यानी लोभ, मालूम पड़ा? अभी नेक्स्ट, बोड़ा पार होना, बोड़ा पार होना यानी कस से बाहर निकलना। अभी हमें बहुत समस्याएं आते हैं, समस्या से डर कर रहना क्या, उसको सामना करना, हम ऐसा कस से बाहर निकलना। जान हथेली पर लेकर भागना, जान हथेली पर लेकर भागना यानी प्राणों की रक्षा करने के लिए भागना। जैसे एक भाग या कुत्ता आपको पीछे जोर जोर से आ रहा, दौड़ के आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, उससे भागकर दूर जाना है कि नहीं, इसलिए प्राणों की रक्षा करने के लिए भागना। लाल लाल आंखें दिखाना, लाल लाल आंखें दिखाना यानी क्रोधित होना, यानी क्रोध प्रकट करना, यानी क्रोधित होना, समझ में आया बच्चों? क्रोधित होना अंदर सिट्टू कोपा होदला। यस, अभी हम शब्दार्थ पूरे हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। अभी हमें क्या करना है, प्रश्न उत्तर। अभी हमें क्या करना है, प्रश्न उत्तर लिखना है। पहला, रंगप्पा कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था रंगप्पा, आप सभी को मालूम हो चुका है, आप पाठ पढ़े कि नहीं? यस, पढ़े तो मालूम होता, नहीं पढ़े तो नहीं मालूम होता। रंगप्पा कहाँ जा रहा था, रंगप्पा बंडीपुरा जा रहा था। कहाँ, रंगप्पा बंडीपुरा जा रहा था। यस, नेक्स्ट सेकेंड वन, रंगप्पा ने हाथी को कब देखा, रंगप्पा ने हाथी को रात के समय देखा। अभी मैं शॉर्ट सेंटेंस में लिखा रही हूँ। अभी आप, मैं क्या आंसर देती हूँ, आप इसको देखकर अपनी फेसबुक कंप्लीट करो। रंगप्पा ने रात के समय देखा, रात के समय को देखा। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, रंगप्पा क्यों डर गया, क्यों डरा, उसको या कम उनका हेदरी की बंद, रंगप्पा या हेदरी की बंद, ದೊಡ್ಡ ಹಾತಿದ ಆನಿದ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತ, ಹಂಗ ರಂಗಪ್ಪ ಹಾತಿಗೆ ಭಯಾನಕ ರೂಪ ದೇಖ ಡರ್ ಲಗ, ಹಾತಿ ಕ ಭಯಾನಕ ರೂಪ ಕಾ ರೂಪ ದೇಖಕರ್ ಉಸ್ಕೋ ಡರ್ ಲಗ, ಕಿಸ್ಕಾ, ಹಾತಿ ಕ ಭಯಾನಕ। ಭಯಾನಕ ರೂಪ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಡರ್ ಲಗ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, रंगप्पा हाथी से क्या कहा, हाथी ने रंगप्पा से क्या कहा, फोर्थ वन, हाथी ने रंगप्पा से क्या कहा, रंगप्पा को हाथी ने बोला डरो मत, मैं तुम्हें, हाथी यहाँ पर आपको दिखाई देती हूँ, हाथी ने रंगप्पा को अपनी बोला उससे यो कहा डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाथी बोला मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, डरना मत, ऐसा हाथी ने कहा, डरना मत कहा हाथी ने रंगप्पा को, तुम डरो मत। ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगप्पा को
बंडीपुरा किसने पहुंचाया? अब तक आपको मालूम हो चुका होगा किसने पहुंचाया, हाथी ने, है कि नहीं? यस, रंगप्पा को बंडीपुरा हाथी ने पहुंचाया। रंगप्पा ने हाथी को धन्यवाद क्यों दिया, क्यों बोला? रंगप्पा को रात के समय हाथी ने हेल्प किया था ना, किया था ना, तो रात को समय में हाथी उसको सहायता किया था और उसको बंडीपुरा भी पहुंचाया था, इसलिए क्या करने हम, रंगप्पा ने हाथी को थैंक यू धन्यवाद बोला। हाथी के दांत किसने मांगे? यस सॉरी, रंगप्पा खिलौने खरीदे कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रंगप्पा खिलौने खरीदा कहाँ गया? बंडीपुरा गया, कलांजलि स्टोर को गया, गया कि नहीं? यस, बंडीपुरा खिलौने खरीदने के लिए बंडीपुरा को रंगप्पा गया था। नेक्स्ट, रंगप्पा हाथी के दांत किसने मांगा? हाथी के दांत को किसने मांगा? हाथी के दांत को रंगप्पा ने मांगा। हाँ, नेक्स्ट वन, दुकानदार ने रंगप्पा को कैसा लालच दिखाया? दुकानदार ने रंगप्पा को कैसा लालच दिखाया? दुकानदार ने रंगप्पा को रुपया का लालच दिखाया। किसका लालच? रुपया का, रुपया का लालच दिखाया, दिखाया ना रंगप्पा को दुकानदार ने। और घासे तो सीताला मीना हाथ आने द दंत तक बंदी अंदर नानी दुड बहला रोक दुड को। नेक्स्ट वन, टेन्थ वन क्वेश्चन, हाथी ने रंगप्पा को क्या दिया? हाथी ने रंगप्पा को अपना दान, थोड़ा सा दान दिया, है कि नहीं? काटने का अनुमति दिया था ना। यस, 11th वन, दांत के बदले दुकानदार ने रंगप्पा को क्या दिया? दांत के बदले दुकानदार ने रंगप्पा को क्या दिया? दांत के बदले दुकानदार ने रंगप्पा को बहुत से रुपया दिया, बहुत से पैसे दिया। 12th वन, रंगप्पा को दोबारा हाथी के पास क्यों गया? रंगप्पा दोबारा हाथी के पास क्यों गया? रंगप्पा हाथी के पास दोबारा उसका पूरा दांत निकालने के लिए गया था, है कि नहीं? उसका पूरा हाथ दांत आया तो उसको बहुत पैसा आना था, पैसा हजम करना चाहता था, इसलिए वो बहुत लालच में पड़ गया था, इसलिए वो उसका हाथी का पूरा दांत निकालना चाहता था। नेक्स्ट 13th वन, रंगप्पा क्यों भाग निकला? रंगप्पा क्यों भाग निकला? जब वो पूरा दांत मांगने गया था हाथी के सामने, हाथी ने क्या किया? हाथी ने अपना लाल लाल आंख दिखाया तो रंगप्पा भाग निकला, है कि नहीं? यस, रंगप्पा हाथी के लाल लाल दांत लाल लाल आंख को देखकर डर के मारे वहां से भाग गया। यस बच्चों, आज मैं पूरा 13 क्वेश्चन आंसर्स बोली, अभी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स बोल रही हूँ। आप क्या करना है, अपनी पेंसिल से अपनी टेक्स्ट बुक में ही, मैं जैसे जैसे बोलती जाती हूँ वैसे वैसे आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से ही मार्क करके जाओ। रंगप्पा जंगल के रास्ते डैश जा रहा था, बंडीपुरा। नेक्स्ट, रात के समय रास्ता भूल गया, फर्स्ट वन बंडीपुरा, नेक्स्ट वन फर्स्ट वन बंडीपुरा, नेक्स्ट वन भूल, थर्ड वन पीट, फोर्थ वन, थर्ड वन से दो हैं यहां पर पहुंचाया, पहुंचाया। फोर्थ वन खिलौने, फिफ्थ वन रकम। मैं यहां पर आंसर दे चुकी हूं, आप क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक भरना है। रंगप्पा जंगल के रास्ते बंडीपुरा जा रहा था, रात के समय रास्ता भूल गया, हाथी ने रंगप्पा को अपनी पीठ पर बिठाकर बंडीपुरा पहुंचाया। फोर्थ वन, रंगप्पा ने कुछ सुंदर खिलौने खरीदे, खिलौने।
नेक्स्ट दुकानदार ने रंगप्पा को रकम देने का लालच दिखाया। रकम यहाँ पर खिलौने, फिफ्थ वन रकम। नेक्स्ट सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तुम डरो मत, यहाँ पर दो दो वर्ड्स दिया गया है, उसमें से आपको कौन सा सही है ना उसको मार्क कर लिखना है। फर्स्ट वन, तुम डरो मत, नहीं या मत, यहाँ पर कौन सा आपको चूजना है, कौन सा आपको यहाँ पर करेक्ट करके लिखना है, मत। नेक्स्ट वन, तुम मेरे साथ चलो। नेक्स्ट, रंगप्पा ने हाथी को धन्यवाद दिया। थर्ड वन क्या है, धन्यवाद। फोर्थ वन, मुझे डैश की बड़ी जरूरत है, मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है। फिफ्थ वन, तब हाथी ने लाल लाल आंखें दिखाई। यस बच्चों, अभी विलोम शब्द। प्रश्न उत्तर हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ और सही शब्द चुनकर लिखना हुआ। अभी हमें विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। पहला, रात का अपोजिट वर्ड क्या है, दिन। क्या है, दिन। नेक्स्ट, डर का अपोजिट वर्ड हिम्मत, हिम्मत। थर्ड वन, ऊपर का अपोजिट वर्ड नीचे, क्या है, नीचे। नेक्स्ट, देना लेना, देना लेना। नेक्स्ट, सुंदर असुंदर, असुंदर। सिक्स्थ वन, पास दूर, यहां पर मैं खाली आंसर्स लिख रही हूं, आपको क्या करना है पेंसिल में, पेंसिल से आप में पूरा आंसर यहां पर फिल करो, फिर बाद में फेसबुक में लिखो। नेक्स्ट, अन्य वचन रूप लिखो, कौन सा अन्य वचन रूप, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, हाथी हाथी आता है, जैसे आदमी आदमी ही आता है, अन्य वचन रूप। आदमी आदमी आता है। नेक्स्ट, पीठ पीठी आता है, यहाँ पर एक वचन बहुवचन हम बोलते हैं ना, यहाँ पर कौन सा वर्ड, आदमी, बहुत सारे आदमी हो तो भी आदमी बोलते हैं, बहुत सारी पीठ हो तो भी हम पीठी बोलते हैं। नेक्स्ट, कदम, कदम को क्या बोलते हैं, कदम कदम ही बोलते हैं, कदमे नहीं बोलते हम, यस। नेक्स्ट, दांत दांती, एक वचन हो तो भी दांत बोलते हैं, बहुवचन हो तो भी हम दांती बोलते हैं। नेक्स्ट, चीज चीजें, यहाँ आया चीज यानी वस्तु, चीज चीजें। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, आंख आंखें, यहाँ आता है आंखें, क्या आता है, आंखें आता है। नेक्स्ट, दुकान, दुकान दुकाने, मालूम हुआ बच्चों। अभी हम नेक्स्ट पेज 16 पेज सही क्रम में लिखो। सही क्रम आपको क्या करना है, आप ही अपने टेक्स्ट बुक में लेकर उसको सही क्रम में पेंसिल से लिखो बच्चों। है बात की पुराने जमाने, पुराने जमाने की बात है। सेकेंड वन, रात रास्ता भूल के समय गया, रात के समय रास्ता भूल गया। यस बच्चों, आगे का आप कर सकते हो, आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, किसने किसको कहा, किसने किसको कहा, ये आप भी जान सकते हो, आप घर में बैठकर ट्राई करो, इसका आंसर मैं आपको भेजती हूँ। नेक्स्ट, समान अर्थ वाले शब्द, ये भी आपको होमवर्क है, आप ही को घर में बैठकर क्या करना है, आगे लिखना है पेंसिल से लेकर आपको टेक्स्ट बुक फिल करना है आपको। अच्छा बच्चों,
सही शब्द के सामने सही चिन्ह और गलत शब्द के सामने गलत चिन्ह लगाना है। बंडीपुरा और बंडीपुरा दो दो शब्द दिया गया है और कौन सा आपको सही लगता है उसके सामने अपना टिक करना। नेक्स्ट, सही जोड़ो मिलाओ यानी मैच द फॉलोइंग। रात के समय रास्ता भूल गया है कि नहीं, यस आप मैच कर सकते हो। आप ये आप सभी घर में बैठकर ट्राई करना, मैं इसका की आंसर्स भेजती हूँ। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे।